कुंडलियां मिले? कुंडलियां दे आया हूँ माँ, जैसे ही कुछ पता चलेगा वो हमें बताएंगे। माँ आपकी दवाई। मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। बोलो ना माँ। वो ये कि वो लोग जब आएंगे इधर हाँ। तो तुम हाँ। खुश रहो उनके साथ। माँ आप फिक्र मत करो, मैं खुश रहूंगी। क्योंकि लड़का अच्छा है, लोग अच्छे हैं, तो तुम खुश रहोगी। अब ये लीजिए, दवाई खा लीजिए। मुझे नहीं पता था कि खुश रहने के लिए लड़का और घर अच्छा होना काफी होता है। बेवकूफ थी मैं। मैंने सोचा प्यार से खुशी मिलती है। वो एक लहर सी आती है, मन सबका छू जाती है, पल में यहाँ तो पल में है वहाँ। स्पेशल बुलेटिन सबको बहुत पसंद आया। एंड यू नो व्हाट, मेरे घर में तो सब इतने एक्साइटेड थे। पता है मैंने कुछ और नए कॉन्सेप्ट सोच के रखे। तुम आओगी तो जरूर बताऊंगी। ओके रोली, मुझे आ जाने में थोड़ी देर हो जाएगी। ओह चलो कोई बात नहीं। बट किट्टू तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारी आवाज। मैं ठीक हूँ रोली। मुझे आज देखने कोई। क्या? मुझे घर में कुछ काम है, तो प्लीज तुम मैनेज कर लेना। कोई बात नहीं, इट्स ओके, मैं मैनेज कर लूंगी। हाँ युवराज सर पूछे तो कहना कि मैं तुम्हें स्मार्ट से एक्सक्यूज दे दूंगी। ओके डोंट वरी यार, तुम बस जल्दी आ जाना। ओके बाय किट्टू। आइए आइए प्लीज। बैठिए प्लीज। भाई गुप्ता जी ने आपके परिवार और आपकी बच्ची की इतनी तारीफ की कि यहां आने से पहले ही हमें लगा कि मानो ये रिश्ता पक्का हो गया हो। अब भाई जरा जल्दी बुला दीजिए, इन्हें अपनी बहू की शक्ल देखने की बड़ी बेताबी है। जी हाँ, शादी की तैयारियां भी तो करनी है, टाइम कहाँ है। जी जरूर। काजल जरा किट्टू को बुला दो प्लीज। Oh,
आओ बेटी मेरे पास बैठो। नजर ना लगे आपकी बेटी तो बहुत सुंदर है। बेटी आपने पढ़ाई कहाँ तक की है? जी मैंने कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया है। वेरी गुड। मैं ये तो नहीं जानता कि गुप्ता जी ने आपसे क्या कहा है, लेकिन वाकई लाखों में एक है मेरी बहन। हमारे उसको संस्कार दिए हैं। काम करती है घर का। घर का सब काम करती है। आप कहीं काम भी करती हैं ना? जी हाँ मैं NNN न्यूज़ चैनल में काम करती हूँ। ओह यस, मुझे लग ही रहा था कि मैंने कहीं आपको देखा है। अब याद आया, NNN की रिपोर्टर है आप। NNN की बेस्ट रिपोर्टर है हमारी किट्टू। तुम वही तो नहीं जिसका अफेयर रोहन कपूर के साथ था? ये क्या कह रहा है तू? सही कह रहा हूँ पापा, मुझे लग ही रहा था कि मैंने कहीं से देखा है। हर न्यूज़पेपर में छपा था इन दोनों के संबंधों के बारे में। आप लोग इतने हैरान क्यों? मैंने गुप्ता जी से साफ साफ कहा था कि वो किट्टू के बारे में जो भी सच है आपको बता दें। रोहन कपूर से दोस्ती थी भी तो क्या, सगाई तो नहीं हुई थी? ये साहब ये सब आप हमें मत सिखाइए। सारी दुनिया जानती है कि ये अमीर घर के लड़के किस तरह का संबंध रखते हैं लड़कियों के साथ। हमारा लड़का कोई लूला लंगड़ा तो है नहीं जो ऐसी चरित्र वाली लड़की के साथ शादी कर देंगे। चलो जी, बड़े आए संस्कारों की बात करने वाले, यही संस्कार दिए हैं अपनी बेटी को। अरे अरे अरे, क्या हो गया किट्टू? हाँ रो क्यों रही हो? ना ना ना, रोते नहीं। हाँ तुमने क्या सोचा था कि किसी भी अच्छे खानदान के लोग अपने लड़के की शादी ऐसी लड़की से करा देंगे जिसके किसी और लड़के के साथ संबंध है? काजल, क्या हुआ दीदी, मुझ पे क्यों चिल्ला रही हो? अरे मैं तो सिर्फ किट्टू को समझाने की कोशिश कर रही थी कि उसे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। किट्टू कोई ना कोई तो ऐसा जरूर मिल जाएगा जिसे इस बात से कोई फर्क ना पड़ता हो कि उसकी वाइफ पहले ही लड़कों के साथ। काजल प्लीज चुप रहो। मैंने ऐसा क्या कहा दीदी? मुझे किट्टू के लिए बुरा लगता है इसलिए मैं कह रही थी, है ना किट्टू? तू चिंता मत करना, मिल जाएगा कोई ना कोई, है ना? चुप बैठो, जस्ट गो। अरे सुनो तो, जाओ यहाँ से काजल प्लीज। किट्टू तू रोना बंद कर पहले, चल। माँ टूट जाएगी, मैं क्या करूँ? माँ को कुछ नहीं होगा, सुन मेरी बात, हम सब हैं ना किट्टू। अब मेरी गुड़िया को ऑफिस जाने में देर नहीं हो रही, हो रही है ना? तैयार हो जा। वेलकम। थैंक्स किसके लिए? मारूंगी अगर थैंक्स बोला तो। थैंक्स के बजाय किट्टू ऐसे पिघलना मत, कमजोर मत होना। बेटी का
सर, सर जिंदगी घर पे बैठी रहेगी वो। ऐसे ख्याल भी अपने मन में मत लाइए। हाँ, सभी लोग ऐसे थोड़ी होते हैं जैसे ये थे। अच्छा हुआ ये रिश्ता नहीं हुआ। ये लोगों की सोच इतनी छोटी है, उनके घर में हमारी किट्टू खुश रहती नहीं रहती। आप अपने मन को दुखी मत कीजिए, सब अच्छा होगा। हेलो गुप्ता जी, क्षितिज बोल रहा हूँ। मैंने क्या कहा था आपसे? ध्यान से देखकर, अच्छी तरह बातचीत करने के बाद ही हमारे घर रिश्ते भेजिएगा। ऐसे जाहिल जानवर लोगों को आपने हमारे घर भेज कैसे दिया? एक मिनट क्षितिज जी, जरा हमें भी तो पता चले कि बात क्या है। बात? बात करने की तो नौबत ही नहीं आई। उन्होंने इतनी बदतमीजी की, मेरी बहन के बारे में उलूल जुलूल बकवास करने लगे। हम शराफत में चुप रह गए गुप्ता जी, वरना मैं उन्हें। ठीक कर रहा है। आपने उन्हें सच क्यों नहीं बताया किट्टू के बारे में? अजी वो तो मैंने इसलिए नहीं बताया कि मैंने सोचा कि वो सब सुनने के बाद वो लोग मिलने को तैयार नहीं होंगे। वो ज्यादा अच्छा होता गुप्ता जी, कम से कम हमें अपनी घर की बेटी के बारे में ये बकवास तो नहीं सुननी पड़ती। आप खुद सोचिए, आपकी बहन। अब हम समझ गए, मगर एक बात है, क्योंकि रोहन कपूर जैसे नाम को सभी पहचानते हैं, तो एक बात हम अभी से बता देते हैं कि तब ज्यादा रिश्ते आने की संभावना नहीं है। तो ना आए रिश्ते, ना आए, हमें नहीं चाहिए ऐसे रिश्ते। जो हम समझ गए आपकी बात, हम तो आपको बस बता रहे थे। आप शांत हो जाइए, हम कुछ करते हैं। अच्छा जी, नमस्ते। अच्छा क्या क्षिति, तूने झाड़ दिया उसे? बिल्कुल ठीक किया तुमने। आप अपने मन को दुखी मत कीजिए। तो एक बात हम अभी से बता देते हैं कि सब ज्यादा रिश्ते आने की संभावना नहीं है। अरे रोहन, तुम यहाँ क्यों चले आए? मैं तुम्हारे पास आ रही थी। ये लो ब्लैक कॉफी, हैंगओवर के लिए बहुत अच्छी है। थैंक्स मॉम। गॉड, डोंट वरी बेटा, मैंने तुम्हारी सारी मीटिंग्स कैंसिल करवा दी है। आज तुम्हें ऑफिस जाने की कोई जरूरत नहीं। थैंक्स मॉम। मैं देखती हूँ तुम्हारा नाश्ता रेडी है नहीं। मॉम, बैठे। I'm sorry, मॉम। अरे कोई बात नहीं बेटा, लेकिन आइंदा ध्यान रखना, जितनी कैपेसिटी हो उतना ही पीना, ओके? नहीं मॉम, मैं किट्टू की बात कर रहा हूँ। आप सही थे, मैं गलत था। I realized it. I'm sorry. बेटा कॉफी पी लो, ठंडी हो रही है। ठीक है भाई साहब, अगर लड़की नहीं है तो लड़की की तस्वीर तो दिखाइए। हाँ, हाँ, है ना? अच्छा अच्छा, ये देखो बेटा, अच्छी है ना? क्या तू सच बता रहा है? जी नहीं गुप्ता जी, हमें इस रिश्ते में कोई दिलचस्पी नहीं है। चलो बेटा यहाँ से।
ये देखो नंदनी, ये तुम्हारी मेहंदी के आउटफिट के साथ बहुत खूबसूरत लगेगा। It's beautiful. Rohan, how do you like this? Nati, yeah. ये CD edit में पहुंचानी है, okay? और Roli, you have to collect the files from the head office. Don't forget. Sir. What is this? Sir, ये CD मुझे दक्षा मैम को पहुंचानी है। मैं पहुंचा दूंगा। तुम एक coffee break ले लो। Sir, it's okay. I'll. Katyayani, coffee break लेने से कोई नुकसान नहीं होगा। Go now. Okay, sir. Mind blowing. है ना सर? आपने यहाँ क्यों बुलाया गुप्ता जी? क्या आपको लगता है कि हमारा खानदान इस तरह की लड़की को अपनी बहू बनाएगा? क्या मतलब है आपका ऐसी लड़की से? देखिए, हम आपसे बात नहीं करते। देखिए, हम बेवकूफ नहीं है। रोहिन कपूर जैसे रईस लड़के लड़कियों के साथ कैसा संबंध रखते हैं अच्छी तरह से जानते हैं। मिस्टर सेठ, जरा सुनिए तो। Good morning, sir. Good morning, Katyayani. How's your mom? जी, अभी कोई खास फर्क नहीं पड़ा, वो Take this call. Hello. हाँ पाप्स, क्या हुआ? माँ ठीक है किट्टू। मैंने एक्चुअली फ़ोन किया था ये बताने के लिए कि आज एक और लड़का आने वाला है अपने पेरेंट्स के साथ। तो तू 6 बजे तक आ पाएगी? हाँ ठीक है पाप्स, मैं रखती हूँ। बाय बाय किट्टू। सब ठीक तो है ना? जी सर। सर एक्चुअली आज मुझे जल्दी घर जाना था, वो माँ के चेकअप के लिए डॉक्टर घर आ रहे हैं, तो क्या ना है? ओके, थैंक यू सर। तुम्हारी रिसर्च कैसे चल रही है किट्टू? मिल गया कोई सूटेबल दूल्हा? मुझे काम करना है नंदिनी, इफ यू विल जस्ट एक्सक्यूज मी। श्योर, थैंक यू। काजल प्लीज, तुम्हें शर्म नहीं आती है हाँ ऐसी बात करते हुए? मुझे क्यों शर्म आएगी दीदी, मेरा किसी रोहन कपूर के साथ अफेयर नहीं था और ना ही लोग मेरे बारे में घिनौनी बातें कर रहे। एक मिनट, किट्टू के बारे में जो लोग बात कर रहे हैं ना, वो लोगों की सोच घिनौनी है। ओके, तो फिर आप लोग ये सोचकर अपने मन को मना दे रहे हैं, लेकिन आप लोग ये अच्छी तरह से जानते हैं कि कोई भी अच्छे परिवार का लड़का ऐसी लड़की के साथ शादी हरगिज नहीं करेगा जो ऑलरेडी।